जी सलमा बताइए क्या कर रहे हैं हम आज हिमानी की तरफ से क्या है। हिमानी के साथ आपको एक फेस पैक बता रही हूँ जो व्हाइटनिंग एंड टाइटनिंग के लिए, ठीक है। और जैसे कि हम कलौंजी के लिए बता रहे हैं जो हिमानी का ब्लैक सीड ऑयल है वो वैसे पीने के लिए तो बहुत बेहतरीन है, जो कि आप सुबह सहरी में एक टीस्पून और अफ्तारी में एक टीस्पून लें, लेकिन ये फेस के लिए भी बहुत अच्छा है कलौंजी का ऑयल। तो हम इसको मिक्स करेंगे। मैं इसमें ले रही हूँ 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ खीरा क्रश किया हुआ है, और ये है शकरकंदी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून के करीब है इसमें लेमन जूस और चावल का आटा, वो पेस्ट बनाने के लिए चावल का आटा टाइट करता है। अब इसको मिक्स करेंगे, मैं इसमें ऑयल डालूंगा। ओके, अच्छा ये फेस पैक बन गया जी। बिल्कुल ये फेस पैक बन गया है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं कलौंजी ऑयल डाल रही हूँ। ओके, दैट्स अच्छा। इससे होगा क्या इस फेस पैक से? ये होगा कि आपकी स्किन ग्लो करेगी, स्किन टाइट होगी, जो रिंकल्स पड़ गए वो खत्म होगी, और स्किन वाइट होगी, जो पैची सी हो जाती है, टू टोन इन मतलब इवन नहीं होती है, वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, ये देख लीजिए, ये फेस पैक की क्रीम है जो हमने बनाई है हिमानीज़ के जरिए। इसमें हमने जो चीज़ें डाली हैं उसमें हमने क्यूकम्बर लिया है, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून क्यूकम्बर लिया है, और उसके साथ साथ इसके क्यूकम्बर है, उसके साथ साथ हमने शकरकंदी ली है 1 टेबल स्पून, और उसके बाद उसके अंदर हमने थोड़ा सा नींबू जो है वो डाला है, और उसके बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो चावल काटा डाल दिया है, 1/2 टीस्पून और कलौंजी का ऑयल। चावल के आटे की जो अफादियत है वो ये है कि ये आपकी स्किन को टाइट करता है, बहुत ज़्यादा टाइट कर देता है, तो चावल का आटा डाला। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून ऑफ कलौंजी हमने डाल दी है हिमानीज़ की, और उसके बाद ये फेस पैक बन गया। कितनी देर तक लगाना है ये फेस पैक? तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 जैसे अभी अगर कोई देख रहा है और किसी के पास हिमानी की प्रोडक्ट अभी मौजूद है तो 15 से 20 मिनट लगा ले। बिल्कुल 15 से 20 मिनट लगाए, और अब खैर से 12वां रोज़ा हो गया, आप अभी से लगाना शुरू करें तो आप हैरान हो जाएंगे ईद पे जो आपकी स्किन होगी।